हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ त्रिशा एंड आप देख रहे हो वंडर त्रिशा। सो गाइस, आज हम लोग जो मेकअप क्रिएट करने वाले हैं उसके अंदर बहुत सारा मेकअप की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है आप लोगों में से ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास मेकअप में इन्वेस्ट करने के लिए उतना सारा पैसा नहीं होता। ऑब्वियसली अगर मैं आपकी जगह होती, मैं भी मेकअप के ऊपर इतने सारे पैसे इन्वेस्ट नहीं करती। बट मेकअप तो अच्छा चाहिए, इसीलिए आज जो मैं मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ उसमें मैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के आने वाले मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाली हूँ एंड बहुत ही सिंपल, एलिगेंट एंड नेचुरल सा एक मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं इस वाले मेकअप के लिए हमें क्या क्या चाहिए। आई मेकअप नहीं चाहिए, एक्चुअली नेचुरल मैं रखना चाह रही थी, तो इसीलिए मैंने ऑरेंज कलर एंड लाइट ब्राउन आई शेडो एक साथ मिला के थोड़ा सा ब्लेंड कर दिया है एंड उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा रेड कलर का आई शेडो अप्लाई किया है। एक्चुअली रेड ब्लाउज़ के साथ मैंने रेड आई मैच करने की कोशिश की एंड देखो कितना आसानी से मेरा आई मेकअप कंप्लीट भी हो गया है। सेम हम लोग अंडर आई पर भी करेंगे एंड आई के ऊपर मैं थोड़ा सा गोल्डन कलर का शिमर आई शेडो भी अप्लाई कर रही हूँ एक चमकीली सी फिनिश देने के लिए। ये आई मेकअप आप लोगों का किसी भी वाइट, येलो, किसी भी तरह के साड़ी के साथ बहुत अच्छा जाएगा। और हाँ, एक चीज़, ग्लिटर आई शेडो या फिर शिमर आई शेडो हमें हमेशा उंगलियों की मदद से ही अप्लाई करना चाहिए। ब्रश की मदद से अप्लाई करेंगे तो उतना अच्छा फिनिश नहीं आएगा, तो इसीलिए मैं उंगलियों की मदद से अप्लाई कर रही हूँ। अभी मैं थोड़ा सा येलो कलर का शेडो ले रही हूँ एंड अंडर आई पे फिर से अप्लाई कर रही हूँ। इससे अंडर आई भी खाली खाली नहीं लगेगा एंड बहुत अच्छा एक लुक आएगा। तो उसके बाद मैं अंडर आई के आउटर कॉर्नर पर थोड़ा सा ब्राउन कलर का आई शेडो अप्लाई किया है एंड आप लोग देख सकते हो कितनी आसानी से मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो गया। मुझे थोड़ा सा खाली खाली लग रहा था तो इसीलिए मैंने आउटर कॉर्नर पर थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेड का आई शेडो अप्लाई किया, एकदम थोड़ा सा, एंड उसको भी बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। इससे आईज़ को एक डेप्थ मिलता है।
ब्लश मैंने अलग से नहीं लिया, आई शेडो पैलेट में ही जो पिंक कलर और रेड कलर था उन दोनों को मैंने एक साथ मिला के ऐसे ब्लश अप्लाई कर लिया है। अगर आप लोगों के पास पूरा प्रोडक्ट नहीं हो तो इन छोटे छोटे हैक्स की मदद से आप लोग अपना मेकअप कंप्लीट कर सकते हो। किसी को पता चलने वाला नहीं है कि आपने ब्लश की जगह आई शेडो अप्लाई किया है। एकदम सिंपल, क्यों एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना है। सेम मैं आई शेडो पैलेट से ही डार्क ब्राउन कलर का आई शेडो लेके मेरे एंगुलर ब्रश की मदद से मैं अपना आईब्रो ड्रॉ कर रही हूँ। इसको ड्रॉ करना बहुत ही आसान है। अगर आप आई शेडो से अप्लाई कर रहे हो तो और भी आसान हो जाता है। पहले आईब्रो के बीच से एंड तक का आईब्रो बहुत अच्छे से हम लोग फील कर लेंगे एंड उसके बाद जितना भी प्रोडक्ट बच जाएगा ना ब्रश में वो आईब्रो के सबसे आगे फ्रंट में थोड़ा सा अप्लाई कर देना है। इससे एक ओम्ब्रे इफेक्ट आएगा एंड आईब्रो बहुत नेचुरल लगेगा। आप लोग देख सकते हो मैंने मेरे आईब्रो को ड्रॉ कर लिया है एंड कितना नेचुरल लग रहा है। अभी मैं अप्लाई कर रही हूं आईलाइनर भी मैंने ड्रोमेटिक सा ड्रॉ किया ब्यूटी का आईलाइनर। इसका प्राइस छोटा सा 100 रुपीस एंड यही मेरा आईलाइनर हो गया क्योंकि मुझे हैवी आईलाइनर नहीं चाहिए था। एंड इसके साथ ही मैंने सेम हुडा